लॉकडाउन लगा था, ये सड़क पर आपने देखा होगा मजदूर भाई चलते चलते अपने घर पहुंचे थे। लॉकडाउन के समय पर हमारे मजदूर भाई जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे, अपने घर परिवार को संग लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और जो बच्चे पैदल नहीं चल पा रहे थे उन्हें गोदी में लेकर के पहुंचे थे। आपको याद है कि नहीं याद है? यही सरकार थी। और जब कोरोना आया, बीमारी आई, उस समय जब बीमारी आई कोरोना की, उस समय जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को, किसान को दवाई की, अस्पताल की जरूरत थी और ऑक्सीजन की जरूरत थी, बताओ ये सरकार क्या ऑक्सीजन दे पाई थी? और आपके बगल में गंगा माँ बहती हैं, इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से न केवल इलाहाबाद में लाशें बह रही थीं, बनारस में, गाजीपुर में और यूपी की लाशें बह कर करके जाकर के बिहार में, बक्सर में मिली थी जाकर के। क्या वो बातें आप सब भूल गए हो? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी सरकार की, उस समय अगर किसी ने अनाज छोड़ने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये 22 का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बनाने का चुनाव है। जो लोग बातों को समझते होंगे, जिन्होंने पिछले कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा है, वो जानते होंगे कि ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये बात तो जानते होगे कि नहीं जानते हो? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे?